अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजुम्स माशाल्लाह रेसिपीज़। मेरा नाम है अंजुम खादिम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन ग्रेवी विथ चिकन फ्राइड राइस। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, ये मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, आप चाहो तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। 1 अदद अंडा, नमक, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये मैगी मसाले का 1 क्यूब लिया मैंने, 3 चम्मच शेज़वान सॉस। सबसे पहले हम चिकन में नमक डालेंगे, उसके बाद शेज़वान सॉस डाल देंगे, शेज़वान सॉस के बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। कॉर्नफ्लावर हम पहले थोड़ा सा डालेंगे और उसे चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये चिकन की अच्छे से बाइंडिंग नहीं हुई है इसलिए बाकी का बचा हुआ कॉर्नफ्लावर भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इसे भी मैं चिकन में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये कॉर्नफ्लावर को मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं मैगी का क्यूब इसके अंदर क्रश करके डालूंगी इस तरह से, और हाथों से इसे चिकन में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में शामिल करूंगी, इसे भी हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे आखिर में चिकन में हम अंडा डालेंगे, अंडे को बहुत अच्छे से हम चिकन में मिक्स करेंगे, चिकन की बहुत अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए हमने अंडा डाला है ताकि तमाम मसाले चिकन पे लगे रहे और हमारी चिकन एकदम क्रिस्पी फ्राई हो। अब हम चिकन को फ्राइंग पैन में डीप फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन में तेल गरम हो चुका है, अब मैं चिकन के पीस इसमें 1 बाय 1 डालूंगी एहतियात से। तमाम चिकन हमें इसी तरह डालना है, देखिए इस तरह से। अब मैं इसे तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, बीच बीच में चम्मच भी हिलाती रहूंगी। चिकन को तेज़ आंच पर फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी और इसे तब तक फ्राई करूंगी जब तक चिकन पूरी तरह गल नहीं जाता। चिकन को फ्राई होते हुए और 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब टोटल 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे वो पूरी तरह पक गया है नहीं। ये देखिए छुरी पूरी तरह चिकन में इंसर्ट हो रही है, यानी चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, पूरी तरह पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो चिकन हमने फ्राई किया था उसमें से मैंने कुछ पीसेस बोनलेस निकाल लिया है फ्राइड राइस के लिए। ग्रेवी के लिए मैं 1 चॉप किया हुआ कैप्सिकम लूँगी, मतलब शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज की पत्ती, चॉप किया हुआ लहसुन 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची 1.5 चम्मच, 1 चॉप किया हुआ प्याज, थोड़े से कोतमीर के पत्ते बारीक कटे हुए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच शेज़वान सॉस। फ्राइंग पैन में तेल गरम हो चुका है, अब उसके अंदर सबसे पहले हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम अदरक भी डाल देंगे। अदरक लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्की गुलाबी रंग होने तक ही फ्राई करना है, ट्रांसपेरेंट होने तक। गैस का आंच हम तेज़ रखेंगे क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा तेज़ आंच पर पकाए जाते हैं। प्याज हल्की गुलाबी रंग तक पक चुकी है, अब हम इसके अंदर मिर्ची डाल देंगे, उसी के साथ इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल देंगे और प्याज की पत्ती को भी ऐड कर लेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये तमाम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतना ही कुक करना है हमें इसे।
ये वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डाल देंगे, उसी के साथ शेजवान सॉस को भी शामिल कर लेंगे इसके अंदर। चम्मच से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है अंदर ताकि ग्रेवी का मसाला नीचे लग ना जाए। ग्रेवी आपको जितनी पतली चाहिए आप उतना पानी अंदर डालिए। मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा ग्लास पानी डाला है। थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेंगे हम। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का घोल डालेंगे। ये कॉर्नफ्लावर का घोल मैंने इस कॉर्नफ्लावर में पानी डालकर पतला सा घोल तैयार कर लिया था, उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्रेवी में। ये देखिए ग्रेवी जैसे जैसे मेरी पकती जा रही है वैसी वैसी इसमें थिकनेस आती जा रही है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। ग्रेवी हमें जितनी पतली चाहिए हम उतना पानी अंदर डालेंगे। मुझे ये ग्रेवी थोड़ी और पतली चाहिए, थोड़ी मुझे थिकनेस लग रही है, इसके लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी शामिल कर लूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूँगी, उसी के साथ जो चिकन हमने फ्राई किए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चिकन मंचूरियन ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए जो फ्राइड चिकन हमने साइड में निकाला था बोनलेस, उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये 400 ग्राम चावल को मैंने उबाल लिया है। थोड़ी सी कोथमीर लेंगे, एक शिमला मिर्च चॉप की हुई, प्याज की पत्ती, अदरक 2 चम्मच चॉप किया हुआ, लहसुन 2 चम्मच, हरी मिर्ची, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 अंडा, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच विनेगर, 3 चम्मच सोया सॉस और मैगी मसाले का 1 क्यूब लेंगे हम। एक बर्तन में हम तेल गरम कर देंगे। सबसे पहले उसके अंदर हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और अदरक। अदरक लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जब तक उसकी कच्चेपन की स्मेल नहीं चली जाती। उसी के साथ हम प्याज भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज की पत्ती को भी डाल देंगे, हरी मिर्ची, इन सबको डाल के अच्छे से भून लेंगे हम। चूँकि है अब इस स्टेज पर मैं डालूँगी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, अच्छे से इसे चम्मच से मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर मैगी मसाले का 1 क्यूब लूँगी, उसे क्रश करके डालूँगी। उसे भी चम्मच से मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके अंदर जो फ्राई चिकन था वो डाल देंगे, चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चिकन को हम भून लेंगे ताकि मसाले का पूरा टेस्ट आ जाए चिकन में। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, नमक हम कम डालेंगे क्योंकि जब मैंने चावल बॉईल किया था उसके अंदर मैंने ऑलरेडी नमक डाला था। चिकन में हम सब चावल डाल देंगे, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन को मैंने चावल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये चिकन फ्राइड राइस हमारी पककर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। इसी के साथ एक पैन में हम अंडा फ्राई कर लेंगे। ये ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है।
तो फ्रेंड्स ये चिकन मंचूरियन ग्रेवी विथ चिकन फ्राइड राइस हमारी पककर तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंतज़ार किस बात का, जाइए पकाइए और खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।